हाय गाइस, वेलकम टू मॉम एंड फैमिली। मॉम एंड फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हींग का पानी कैसे बनाते हैं। हींग का पानी बहुत इफ़ेक्टिव होम रेमेडी है अगर आपके बच्चे को गैस या फिर स्टमक रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रही है। तो हींग जो है वो हमारे इंडियन किचन्स में इजीली अवेलेबल है, आपको बाहर से कुछ भी बाय करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो हींग का कोई भी नोन साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, ये बिल्कुल सेफ है क्योंकि हम इसे एक्सटर्नली बच्चे के स्टमक पर अप्लाई कर रहे हैं, हमें इसको बच्चे को खिलाना नहीं है, तो ये बिल्कुल सेफ है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारे चैनल मॉम एंड फैमिली को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो इस वीडियो में मैं आपको हींग का पानी बनाना बताऊंगी, तो आप इस प्रोसेस को ध्यान से देखिए कि इसको कैसे बनाना है और कैसे अपने बेबी पर अप्लाई करना है, और होपफुली ये आपके बेबी को भी उतना ही हेल्प करेगा जितना ये हमारे बेबी को करता है। तो आइए किचन में चलते हैं इसको बनाने के लिए। तो हींग का पेस्ट बनाने के लिए हमको चाहिए पानी और हींग। आप कोई भी ब्रांड की हींग यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास MTR की हींग है, हम इसे यूज़ करेंगे। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम 3 चम्मच पानी लेंगे। अब हम गैस को ऑन कर लेंगे। तो अब हमें इस पानी को थोड़ा गर्म करना है, फिर हम इसमें हींग ऐड करेंगे। अब हमारा पानी गर्म हो गया तो हम गैस को कम कर देंगे और इस गर्म पानी में हम हींग को ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर एक ऑलमोस्ट एक बड़ा पिंच ऑफ हींग ले रही हूँ। आप हींग की क्वांटिटी अपने हिसाब से डिसाइड भी कर सकते हैं। अगर आपके बेबी को ज़्यादा गैस है तो आप 2 पिंच हींग भी ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पर 1 पिंच ले रही हूँ। इसको हम पानी में ऐड कर देंगे और अब हम गैस बिल्कुल कम करके इसको धीरे धीरे स्टर करते रहेंगे ताकि ये जो हींग है ये पानी में अच्छे से डिजॉल्व हो जाए और जो आपका पानी का कलर है वो भी स्लाइटली चेंज होने लग जाएगा। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर ये थोड़ा मिल्की हो गया है। अब आप गैस बंद करके भी इसको थोड़ी देर हिला सकते हैं ताकि ये जो हींग है ये पानी में अच्छे से डिजॉल्व हो जाए। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको ये नोट करना है कि आपके पानी का कलर जो है वो स्लाइटली चेंज हो जाना चाहिए। जैसे मेरे पानी का कलर आपको दिख रहा है, थोड़ा मिल्की वाइट हो गया है। इस हींग के पेस्ट को एक बोल में डाल लेंगे। ये अभी काफी गर्म है ये पानी, तो हमें इतना गर्म बेबी पर नहीं लगाना है। अब हम इसे कूल डाउन होने देंगे, उसके बाद हम इसको बेबी के नेवल एरिया पर अप्लाई करेंगे। तो ये है हींग का पानी जो हमने बनाया है। हमें इसमें से सिर्फ पानी ही बेबी के नेवल एरिया पे लगाना है, हींग को नहीं लगाना है। तो हम सिर्फ पानी में अपना हैंड डिप करेंगे और बेबी के नेवल एरिया पर ऐसे सर्कुलर मोशन में लगा देंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया और हेल्पफुल लगे तो प्लीज इसे लाइक करिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल मॉम एंड फैमिली को सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मॉम एंड फैमिली। सी यू अगेन विद अ न्यू वीडियो। बाय फॉर नाउ।